तार जी, मुझे पापा जी को दुख नहीं पहुंचाना था। मेरे पापा जी तो बहुत चंगे हैं। बेबे, मेरा अपनी सौ, मुझे सिर्फ उनकी मदद करनी थी। चुप कर जा कुड़िये। तुझे पता है कितना बुरा लगा है तेरे पापा जी को? क्या लोड थी उसका दिल दुखाने की? वो जस्सी पुत्र, वो रहने दे अभी। कुलविंदर अभी नाराज है, गुस्से में है। वो सवेरे तक ठीक हो जाना है उसने। हालत देखी आपने क्या थी मेरे पुत्र की? है? कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाया उसने आज तक। इतना छोटा महसूस कर रहा था वो अपने आप को बच्चों के सामने। आप भी ना एक ही बात को बार बार बोल के बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ। मत आप झगड़ा मत करो, मैं पापा जी को सॉरी बोल के आती हूँ। ओए पुस्की, ओए रुक जा, अभी नहीं। अभी है ना पापा जी बहुत गुस्से में होंगे, कल जाके हम दोनों कान पकड़ के सॉरी बोल देंगे और फिर गुस्सा ठंडा हो जाएगा। परसों से हमारे एकेडमिक्स राउंड शुरू हो रहे हैं, अभी के लिए पढ़ाई में ध्यान रखते हैं। दारजी हम जरा बनने के पैसे नहीं है। उनके हार मानने से पहले मैं उनसे कहना चाहती हूँ, लो पापा जी स्कॉलरशिप। तुसी गलत हो सुरेंद्र जी, मैं अपने आप को गाली कैसे ना दूं? ओए मैं एक हारा होया बंदा, यहाँ अपना चेहरा किसको दिखाऊं? सुरेंद्र जी हुण तां मैनूं रब दे पास जाके शांति मिलेगी। आज बोलो, पापा जी के बारे में सोच के ना बिल्कुल मन नहीं लग रहा। तो मन पे काबू कर ले जस्सी, तेरे को पता है ना पापा जी का गुस्सा आ गया तो अचानक लावे की तरह उठ पड़ता है, और एक बार वोल्केनो ठंडा हुआ ना तो फिर लावा भी ठंडा हो जाता है। देख जस्सी, अगला राउंड है ना एकेडमिक्स राउंड है, चाहे कुछ भी हो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में हार जाए, पता चला पापा जी भी बुरे बने और अपना काम भी नहीं हुआ। हाँ वीरे, ये बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा। पापा जी की खातिर उनके लिए तो कुछ भी। अच्छा सुन, एक काम करते हैं, दोनों ना छत पे जाते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, हैं? माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर आके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, चल। मेरी बच्ची जो सपना देखेगी ना, उसके पापा जी उसको पूरा करें। इट इज सिंपल, जद्दोजहद करके ये फीस भरेंगे। आप पे तो हमेशा से ही भरोसा है मेरे को, आप कोई ना कोई इंतजाम जरूर करोगे। मेरे को पता है जस्सी, अगर मम्मा जी और पापा जी ने ये बात सुन ली कि हमने इस कॉम्पिटिशन में सिर्फ स्कॉलरशिप जीतने के लिए पार्ट लिया है, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जानती है जस्सी,
कभी कभी ना मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग दिल्ली आए क्यों, कि मतलब ना ही दिल्ली आते ना ही ये फीस की प्रॉब्लम होती, बड़े स्कूल में जाना है बड़े स्कूल में जाना है, इसकी वजह से मम्मी जी और पापा जी को पैसों की कितनी प्रॉब्लम होगी। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये सारे फसाद की जड़ हमारी पढ़ाई है, इसलिए हम दोनों के लिए स्कॉलरशिप जीतना ना बहुत जरूरी है। कम से कम पापा जी को पैसों की मदद ही हो जाएगी। मेरी वजह से आज तुम दोनों अपनी काबिलियत और अपने सपनों से परे हो रहे हो। कितना अभागा हूं मैं। Messages. Why no talk, wanna meet? एक बार आ जाना, waiting for you. Love you, wanna be with you. हाँ यार, I'm so ill. बीमार को देखने तो सब आते हैं. आदि बीमार है? कुलविंदर जी, आप बाथरूम में? बच्चों के पास गए होंगे। चलो मैं भी छेती छेती तैयार होनी है। रिया, इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? कौन सी इमरजेंसी संभालने? मुंबई में जो ऑटो स्ट्राइक हुई है वो, या चेन्नई के फ्लड्स, या नेपाल का अर्थक्वेक? कल से तुम्हारा एकेडमिक राउंड शुरू हो रहा है ना? मैं तो डन। क्या? फर्स्ट राउंड टीम राउंड है ना? हाँ, तो ग्रुप स्टडीज करने के लिए जा रही थी। एक मिनट रिया, ग्रुप स्टडीज? ये क्या बात हुई? पढ़ाई अकेले में की जाती है, ग्रुप के साथ नहीं। प्रैक्टिस? हाँ, प्रैक्टिस भी तो जरूरी है ना मॉमजी। और पहला राउंड ही बजर राउंड है, तो सबको साथ में ही पार्ट लेना होगा। और फिर एलिमिनेशन, तो ग्रुप स्टडीज तो करनी होगी ना। वाओ, ग्रेट। इजंट इट ग्रेट सिमरन? हमारी बेटी बिना नहाए धोए, बिना ब्रश किए हुए अपने नाइट सूट में बस पढ़ाई के बारे में सोच रही। हमारा तो जीवन ही सफल हो गया ऐसी बेटी मिली है, बस 24 घंटे पढ़ाई के बारे में सोचती रहती है। डैड, मैं तो आई व्हाट? किसे मिलने जा रही है? जोगी और जस्सी। हाँ, उन दोनों नर्स ने ना मिलके बहुत प्रैक्टिस की बजे दबाने की। हाँ तो एनीवेज, मैं जाती हूँ, मैं ब्रश करना भूल गई, करके आती हूँ। एक कॉफी लेकर जा। हम्म,
मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। सॉरी दारजी, बेबे सॉरी, यहाँ वो थोड़ा लेट से उठी, आंखें नहीं खुली मेरी। ओ सोती रहती ना तू, क्यों उठ गई? कल रात के क्लेश के बाद मैंने सोचा क्या उठाऊं तुम लोगों को, मैंने खुद ही नाश्ता बना डाला। कुलविंदर कितने है? यहाँ नहीं आए, मेरे को तो लगा आप लोगों के साथ ही होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे। नहीं पुत्र, वो सवेरे 5 बजे का मैं उठा हुआ हूँ, मैंने तो नहीं देखा कुलविंदर को। तो फिर कहाँ गए पापा जी? कमरे में भी नहीं है कुलविंदर जी तो, नहीं है ते। कुलविंदर जी बाइक भी नहीं है यहाँ तो। दारजी बाहर तो कुलविंदर जी की बाइक भी नहीं है। नहीं है बाइक? फिर थे? हो सकता है कि कुछ काम आया हो, है दुकान चले गए सवेरे सवेरे। नहीं, अरे नहीं नहीं, इतनी सुबह कहाँ जाएंगे, मैं फोन ट्राई करता हूँ। हाँ लगा लगा, फोन लगा। फोन तो नहीं लग रहा। वो दुकान पे फोन लगा यार। हाँ जी दुकान पे ट्राई करता हूँ मैं। नहीं उठा रहे। मतलब कहाँ है पापा जी? वो क्या हो गया सब लोगों को, ऐसा क्यों बोल रहे हो बेबे, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो की करा फिर मैं, की करा, मैनू बड़ी चिंता हो रही है। मेरा पुत्र ना दिल का बड़ा ही कमजोर है, कहाँ भटक रहा होगा वो अकेले। कल रात को ही पापा जी को सॉरी बोल देना चाहिए था। बस करो, एक मिनट चुप हो जाओ सब, एक मिनट। कुलविंदर जी को तो आप लोगों ने समझा ही नहीं है। अरे कमजोर थोड़ी ना है वो, जो हम लोगों को ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा मत सोचो आप लोग। बस शायद घर का रास्ता भूल गए। मैं ढूंढ के लानिया, मैं लानिया। मैं भी चलूं? नहीं बेटा जी, आप दोनों ने ना ऐसे कल बहुत कुछ कर दिया है, अब मेरे को हैंडल कर लेने दो, ठीक है? मेरे को जान दो पुत्र जी, और मैं आपके साथ चलता हूँ, और बच्चों को भी साथ ले लेते हैं। आप ले जाओ दारजी, बच्चों को आप ले जाना चाहते हो ले जाओ, पर मैं तो कल ही ढूंढ लूंगी। आओ बच्चों। मैं भी चला। तुसी इत्थे ही रुको, कुलविंदर आए थे, मैंने फोन कर देना। कर दोगी? हाँ कर देंगे, तुसी ने मैंने फोन कर देना। हाँ जी हाँ जी। पता नहीं कहाँ गया होगा यार। दारजी दारजी आप है ना, एक काम करो, पापा जी के ऑफिस जाके ढूंढो, मैं जाके मार्केट में ढूंढ लेता हूँ। और सुन, वो जो मिल जाए ना तो कुछ बोलना नहीं, और जो वो कुछ बोले तो सामने से जवाब नहीं देना, समझा? फोन करूंगा जी। चलो दारजी। ओए ओए जोगी। हाय रिया, बाय जोगी। अरे मैं बात तो सुनो जोगी। रिया जोगी के साथ कहाँ जा रही है? आजकल बार बार जोगी का ही नाम ले रही है रिया, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में पता नहीं। यहाँ तो ताला लगा पुत्र। भाई साहब। जी साहब। वो कुलविंदर खुराना जी आए थे? नहीं साहब, अभी तक तो यहाँ कोई नहीं आया, वैसे 1 घंटा बाकी है अभी दुकान खोलने में। बाबा जी
मेरे पापा जी को ठीक रखना, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। तार जी, मैंने उनका दिल दुखाया है। ओ पुत्र, तू अपने आप को दोष मत दे, ओ तेरी कोई गलती नहीं है, तू चिंता मत कर, ओ तेरे पापा जी को कुछ नहीं होगा। ओ मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होना तेरे पापा जी को। आजा। कैसे हो सकता है? He is not even receiving my calls. अंकल, वो आदित्य से मिलना था। रिया गुप्ता, पहचान गया मैं। पूरी रात तुम ही थी ना जो आदि को डिस्टर्ब कर रही थी मैसेज कर करके? नहीं अंकल, ऐसा नहीं है, वो मुझे आदित्य से बात करनी, एक बार मैं कर लूं। कोई जरूरत नहीं, पहले उसने बहुत टाइम वेस्ट किया तुम्हारी वजह से, अब रहे सही टाइम में उसे तैयारी करने दो। या कहीं ये तुम्हारा प्लान तो नहीं, उसे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि वो पढ़ ना सके? नहीं अंकल, तबीयत खराब कर ली है उसने तुम्हारे चक्कर में, प्लीज जाओ यहां से। वो तो गई। नहीं जाएगी डैड। तो क्या करेगी बेचारी? सोचेगी, टेंशन लेगी। पर वो तो जा रही है। नहीं जाएगी, और अगर गई तो मैं उसे रोक लूं। मम्मा जी मिले? हाँ, पापा जी मिले? नहीं, शर्मा अंकल के ढाबे पे भी जाके आया, टैक्सी स्टैंड पे गया, मार्केट गया, पापा जी कहीं नहीं है। मम्मा जी, आप बोलो तो एक बार पुलिस में रिपोर्ट कर ले। क्या मतलब? पुलिस में क्यों रिपोर्ट करनी है? सुन, पुलिस में रिपोर्ट करने लायक कुछ नहीं हुआ है, समझा तू? तेरे पापा जी को कुछ नहीं हुआ है, तुम लोगों का भरोसा उठ गया उन पर से, मेरा नहीं उठा, समझा? अरे यार, देख के नहीं चलते, पता नहीं कौन सी धमकी में चले जा रहे थे। मरने के लिए इनको यही जगह मिली थी ना, कहीं और जाके मरता। पर्स में बी बच्चों की तस्वीर थी, बेचारे बच्चे क्या सोचेंगे?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.